नमस्कार दोस्तों, आज बात मथुरा के इलाज की है। दरअसल राजस्थान को ऐसे तो देवभूमि के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर तमाम देवी देवताओं के स्थान है जिसकी अपने आप में एक मान्यता है, लेकिन नाथद्वारा चूँकि कृष्ण भगवान का एक अहम स्थान माना जाता है, वैष्णव समुदाय का एक विशेष स्थान माना जाता है, उस स्थान में श्रीनाथ जी की एक खासी माता है, खासी अहमियत है। अब जरा बात करते हैं श्रीनाथ जी की कि आखिर श्रीनाथ जी का यहाँ पर स्थापना कैसे हुई। दरअसल नाथद्वारा का ये हिस्सा जो है, तकरीबन ऐसी कहावत है, ऐसा बताया जाता है कि 1671 में श्रीनाथ जी को नाथद्वारा में यहाँ पर बसाया गया। और इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहावत या कहानियाँ जो वो हैं वो जुड़ी हैं। कहावत कुछ ऐसी है कि औरंगज़ेब का जब पूरे हिंदुस्तान में कहर चल रहा था, औरंगज़ेब जब लोग मंदिरों को, हिंदुस्तान के मंदिरों को लगातार तहस नहस कर रहा था, उस दौरान मथुरा ज़िले में भी श्रीनाथ जी के इस मूर्ति के ऊपर संकट आता देख उनकी सेवा करने वाले दामोदर दास ने उन्हें बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ से स्थानांतरित करना जो है बेहतर समझा। और उसके बाद दामोदर दास जो थे बैलगाड़ी पर श्रीनाथ जी की इस प्रतिमा को लेकर वहाँ से निकल पड़े। उन्हें पता था कि राणा राज सिंह जो कि राजस्थान के मेवाड़ के राजा हैं वो शायद उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसी उन्होंने कई राजाओं से औरंगज़ेब के खिलाफ मदद मांगी, लेकिन कोई भी राजा औरंगज़ेब के कहर के चलते उसके साथ जो कह सकते हैं दुश्मनी या बैर लेना ठीक नहीं समझा और लोग उससे बगावत नहीं कर पाए। लेकिन राणा राज सिंह जो कि एक शूरवीर थे जिन्होंने 16वीं सदी के अंदर औरंगज़ेब और उसकी सेना को कई बार चुनौती दी थी, उन्होंने सीधे तौर पर औरंगज़ेब की सेना को चुनौती दी, औरंगज़ेब को चुनौती दी और औरंगज़ेब से कहा कि अगर उसे श्रीनाथ जी के मंदिर को हानि पहुंचाना है तो उसे तकरीबन 100,000 राजपूतों का सामना करना पड़ेगा और 100,000 राजपूतों को मारने के बाद ही वो श्रीनाथ जी के मंदिर तक पहुँच सकता है। एक कहावत और भी कही जाती है, हालांकि इतिहास में ये कहावत दर्ज नहीं है, लेकिन इसके बारे में मान्यता कुछ ऐसी है कि औरंगज़ेब जब श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि श्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ जब वो जा रहा था तो उसकी आंखों की रोशनी अचानक से कम हुई। ये रोशनी कम होने के साथ वो घबरा गया और उसे इस बात का एहसास हो चला कि श्रीनाथ जी जो हैं वो वास्तविकता में जिसे कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बाल स्वरूप में भगवान को यहाँ पूजा जाता है, लोगों के भाव हैं और इन भाव का अनादर करना ठीक नहीं है। और किसी के साथ वो उल्टे पांव बिना मूर्ति को क्षति पहुँचाए वो वहाँ से लौट गया। आप इस समय देख सकते हैं श्रीनाथ जी नाथद्वारा का ये बाज़ार है जो इसी तरह से गुलजार रहता है, रोशन रहता है। रातों को यहाँ पर इसी तरह से खरीदी की जाती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग तरह से भगवान की वेशभूषा, उनकी पोशाक, उनके झूले और तमाम जैसे देख सकते हैं आप साजो सामान यहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दौरान औरंगज़ेब वहाँ से लौट गया और ऐसी मान्यता है कि औरंगज़ेब के जाने के बाद उनकी जो माता जी हैं, औरंगज़ेब की जो माँ थी, उनको इस बात का एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं कोई देव शक्ति है जो श्रीनाथ जी मंदिर और इसके आसपास की सुरक्षा करती है। और ऐसी मान्यता है कि श्रीनाथ जी की जो दाढ़ी में जो हीरा लगा है, बेशकीमती जो हीरा है, वो औरंगज़ेब की माँ ने ही उसे यहाँ पर उपहार स्वरूप दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान अपने अस्तित्व में है और वो अपने अस्तित्व को यहाँ पर उजवा रहे हैं, अपने लोगों का उद्धार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कहावत है जो हालांकि इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन राणा राज सिंह का इतिहास में बहुत साफ उल्लेख है, क्योंकि राणा राज सिंह औरंगज़ेब से चारुमती को लेकर एक बार पहले भी विवाद कर चुके थे। चारुमती से औरंगज़ेब का विवाह होने वाला था और विवाह के लिए, माफ़ कीजिएगा, औरंगज़ेब ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन चारुमती ने उसे इनकार करके राणा राज सिंह से विवाह का प्रस्ताव दिया। और जब राणा को ये बात पता पड़ी तो वो उन्होंने चारुमती से शादी कर ली। किशनगढ़ में हुई इस विवाह के बाद जो है राणा राज सिंह से औरंगज़ेब की एक बड़ी दुश्मनी हो गई थी और उसके बाद से ही ऐसा माना जाता है कि जो है औरंगज़ेब और राज सिंह और इन्हीं सब कहावतों के बीच श्रीनाथ जी का यहाँ पर जो है वो जिसे कहते हैं यहाँ पर उनकी स्थापना की गई। नाथद्वारा का ये इलाका कहा जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर श्रीनाथ जी किस स्वरूप में विद्यमान है।
नाथ जी के अलग अलग स्वरूप हैं जो इस तरह यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये जो एक बहुत पारंपरिक स्वरूप भगवान श्रीनाथ जी का है, जैसे आप देख सकते हैं दर्शन के रूप में। हालांकि एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर श्रीनाथ जी के फोटो लेना मनाही है, फोटो किसी तरह के श्रीनाथ जी के नहीं लिए जा सकते, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो कारीगर हैं वो अपनी स्तुति, जो अपनी स्तुति होती है उस स्तुति से भगवान की, अपनी कल्पना से भगवान की जो सुंदर मूर्त होती है उसे तैयार करते हैं और यहाँ पर इस तरह से सजाते हैं। आप ये देख सकते हैं श्रीनाथ जी यानी नाथद्वारा का बाज़ार, यहाँ मिलने वाली तस्वीर सिर्फ यही मिलती है। और एक दिलचस्प बात और है कि जो भी कोई यहाँ से ये तस्वीर ख़रीदता है उसकी कीमत का खुलासा नहीं करता, यानी कि ये तस्वीर जिस भी भाव में यहाँ पर मिलती है वो अपने आप में एक अनूठी होती है, उसकी कीमत नहीं बताई जाती क्योंकि उससे बरकत जाती है। आप देख सकते हैं अंदर भी एक बहुत खूबसूरत सी बड़ी जो प्रतिमा है श्रीनाथ जी की, जो मूर्ति है वो बनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं कारीगर हैं जिनके हाथों से ये मूर्तियाँ तैयार होती हैं। और ऐसी काफ़ी सारी बहुत सुंदर सुंदर तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं उनका स्वरूप ही कितना दिव्य है। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, यकीनन कितनी मेहनत की होगी जिसने भी इसे बनाया होगा यहाँ पर। और इन स्वरूप के साथ ही आप श्रीनाथ जी के अलग अलग स्वरूप को यहाँ पर देख सकते हैं। वल्लभ समुदाय की खासी महत्ता है और वल्लभ समुदाय के आराध्य हैं श्री कृष्ण। वैष्णव समुदाय जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पूजता है। ये भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, दिव्य स्वरूप हैं जो कलयुग में भक्तों का उद्धार करते हैं। ऐसे स्वरूप जो होते हैं ये एक कारीगर जिसे स्तुति भगवान की प्राप्त हो या कह सकते हैं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो वही शायद ये बना सकता है। पारंपरिक है, सदियों पुरानी ये दुकानें हैं और आप देख सकते हैं कि उम्दा नक्काशी इन दुकान में की गई है। भगवान के अलग अलग स्वरूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और दुर्लभ तस्वीरें जो होती हैं वो यहाँ पर हैं। तकरीबन जो है शुरुआती जो होती है यहाँ पर भक्तों के भाव होना चाहिए। शुरुआत में कह सकते हैं कि भाव से ही भगवान की मूर्त को यहाँ पर उसके मोल किए जाते हैं। लोग 10,000 की मूर्त भी लेते हैं, 100 रुपये की मूर्त भी लेते हैं और लाखों रुपये तक यहाँ पर खर्च करते हैं क्योंकि भाव की कोई कीमत नहीं होती। तो देख सकते हैं आप, ये वो दुकान के संचालक हैं और कारीगर हैं जिन्होंने इन सब नक्काशियों को बनाया। तो श्रीनाथ जी की महिमा ही कुछ ऐसी है जिसको देश और दुनिया में हर जगह पूजा जाता है, और आज यही कारण है कि मंदिर की जो है लगातार प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। और एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा कि श्रीनाथ जी के मंदिर में तकरीबन 8 पूजा होती हैं, 8 बार भगवान की पूजा यहाँ पर की जाती है। और श्रृंगार के साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तकरीबन 562 जो संपत्ति अलग अलग प्रकार की है वो यहाँ पर जो है, यहाँ के उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने सन 1934 में श्रीनाथ जी ट्रस्ट को सौंप दी थी, जिसके अंदर तकरीबन 50 गांव शामिल होते हैं वो उन्हें सौंप दिए गए थे क्योंकि यहाँ की सेवा, यहाँ के जो लालन पालन है उसका जिम्मा जो थे वो यहाँ के ट्रस्ट के लोग ही ज़्यादा बेहतर समझ पाते थे, इसलिए उनकी जो है दादी उन्हें सौंप दी गई थी। 1934 की ये बात तत्कालीन उदयपुर के जो महाराज हैं उन्होंने इस तरह से ये पूरी गादी उनको सौंप दी थी। अब बात की जाती है कि अगर श्रीनाथ जी की बात की जाए तो आखिर ऐसा क्या है कि भगवान की इतनी महत्ता यहाँ पर मानी जाती है। दरअसल नाथद्वारा के श्रीनाथ जी जो हैं वो बाल स्वरूप में हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा मथुरा ज़िले से उन्हें दामोदर दास जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए थे और उसके बाद से लगातार उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चलता आ रहा है और काफ़ी लंबा समय जो है बीत चुका है जहाँ श्रीनाथ जी जो हैं वो नाथद्वारा में इस तरह से विद्यमान है। और श्रीनाथ जी की जो ये यहाँ पर जो प्रतिमा रखी गई है उस प्रतिमा की खासियत यह है कि ये प्रतिमा जो है ये बाल स्वरूप की प्रतिमा है। और श्रीमद् भागवत में अगर गौर करें तो भगवान के बाल स्वरूप को बहुत विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। आपने गोवर्धन प्रसंग ज़रूर सुना होगा कि भगवान ने अपनी चींटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को जो है वो उठाया था और ब्रजवासियों का उद्धार किया था। उस समय इंद्र को अहंकार हो गया था और इंद्र का अहंकार भी गोवर्धन के माध्यम से, गोवर्धन को उठाकर भगवान ने तोड़ दिया था। तो वही गोवर्धन स्वरूप
यहाँ पर श्रीनाथ जी की प्रतिमा में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे भगवान बाल स्वरूप में है। श्याम यानी कि काले रंग की संगमरमर की एक विशेष किस्म के जो होता है उसकी प्रतिमा जो है ये है, और अपनी चीठी उंगली से गोवर्धन को उठाए हुए हैं। सुबह जो है मंगला के दर्शन होते हैं, मंगला के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद भगवान ग्वाल स्वरूप में जो है वो दर्शाए जाते हैं, उनके दर्शन किए जाते हैं, और उसके बाद जो है भगवान का राजभोग होता है। तो भगवान का राजभोग तकरीबन जो है वो 12 बजे के आसपास होता है, और उसके बाद भगवान विश्राम करते हैं। तकरीबन 3:45 से 4 बजे तक जो है वो भगवान जो होते हैं उनका उठने का समय होता है, और उसके बाद एक बार फिर वो भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद अगला क्रम होता है 5 बजे का दर्शन का, शाम 5 बजे का आरती का क्रम होता है, और आरती के बाद जो है भगवान अपने भक्तों को एक बार फिर दर्शन देते हैं। ये क्रम तकरीबन 6 बजे तक चलता है, एक अमूमन अंदाजे के हिसाब से 6 बजे तक ये दर्शन जो है वो सुविधा से उपलब्ध होते हैं। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर विशेष महोत्सव मनाया जाता है, तकरीबन 21 तोपों की सलामी भगवान को दी जाती है, और मंदिर में अलग अलग तरह का प्रसाद, जैसा कि मैंने आपको कहा 56 तरह का अलग अलग प्रसाद रोजाना भगवान को चढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि भगवान को बिल्कुल बालक के स्वरूप में यहाँ पर पूजा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान हर समय हैं, अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, और राजाधिराज श्रीनाथ जो हैं वो यहाँ खड़े होते भी हैं, और ऐसा ही यकीन मानिए कि उनके लिए लोग आते भी हैं, उसी तरह से भीड़ लगती है, लोग यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, और उनकी एक छवि को पाकर उपकृत हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था नाथद्वारा के श्रीनाथ जी की महिमा, और मैंने कोशिश की है कि श्रीनाथ जी से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इस बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और श्रीनाथ जी का ये बाज़ार, चूँकि श्रीनाथ जी मंदिर में जो है तस्वीर लेना वर्जित है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा बाज़ार दिखाया जो कि इस तरह से गुलजार रहता है, और यकीन मानिए यहाँ की जो चाट है वो बहुत लजीज है, यहाँ के बाज़ार बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर भगवान के जिसे सजाने के वेशभूषाएँ, भगवान की तस्वीरें और भी अन्य सामान बहुत अच्छे मिलते हैं। तो लोग शाम को 6 बजे के दर्शन के बाद इसी तरह से बाज़ार में भ्रमण करते हैं, लुत्फ लेते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं, और जो है भगवान की कृपा उन पर बरसती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं उसे कभी भटक के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बार फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। नमस्कार।